वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल गाइस। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के बारे में। एक्चुअल में मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन क्या होता है, ये कैसे कॉज होता है, इसमें कौन कौन से साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और इसको कैसे डायग्नोस करते हैं, कौन कौन से डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होते हैं और मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता है, इन सारी चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। सो गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन क्या होता है। गाइस, जो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन है ये एक इमरजेंसी कंडीशन है। गाइस, जो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन है इसको हम हार्ट अटैक भी बोलते हैं। गाइस, यहाँ पर जो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन है ये एक कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है। गाइस, जो हमारी कोरोनरी आर्टरी होती है ये हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। गाइस, ये जो कोरोनरी आर्टरी है, जब इस कोरोनरी आर्टरी के अंदर कोई भी ब्लॉकेज आ जाता है, जो कोरोनरी आर्टरी है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाती है। गाइस, ब्लॉकेज कई सारे रीजन से हो सकता है कि कोरोनरी आर्टरी के अंदर कोई एथेरोस्क्लेरोसिस का फॉर्मेशन हो गया या फिर कोई प्लेक का फॉर्मेशन हो गया, जिसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है और हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाता है। हमारे हार्ट में जो टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, कार्डियक मसल्स हैं, उनको जब ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाता है तो जो टिश्यू सेल्स हैं वो डेड होने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारा हार्ट जो है वो डैमेज हो जाता है और इंसान की डेथ हो जाती है। तो गाइस, इस कंडीशन को बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन या फिर हार्ट अटैक। नेक्स्ट गाइस, हम बात करते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के कॉजेज की, कौन कौन से ऐसे कॉजेज हैं जिनसे मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर सबसे जो बड़ा कॉज है वो है एथेरोस्क्लेरोसिस या फिर प्लेक का फॉर्मेशन। ठीक है, और यहाँ पर गाइस बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं, जैसे कि हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल। अगर आपके ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई है तो आपको सबसे ज़्यादा चांसेस हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के या फिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हाइपरटेंशन के जो पेशेंट हैं उनको चांसेस रहते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के। अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में किसी को मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन था तो आपको भी होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट गाइस, यहाँ पर जो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, स्ट्रेस भी एक रिस्क फैक्टर है। और गाइस, यहाँ पर ओबेसिटी वाले पेशेंट और गाइस यहाँ पर जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं इनको भी चांसेस होते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के। नेक्स्ट गाइस, यहाँ पर जो रिस्क फैक्टर है वो स्मोकिंग, जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं उनको चांसेस होते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के। और गाइस, यहाँ पर लैक ऑफ एक्सरसाइज, जो बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं उनको भी चांसेस होते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। तो गाइस, ये कुछ कॉजेज और रिस्क फैक्टर थे जिससे मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन या फिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज कॉज होता है। नेक्स्ट गाइस, अगर हम बात करते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में साइन और सिम्टम्स की, कौन कौन से ऐसे साइन और सिम्टम्स हैं जो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन की कंडीशन में देखने को मिलते हैं। गाइस, सबसे पहला यहाँ पर जो मेन सिम्टम्स है वो है सीवियर चेस्ट पेन। गाइस, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन की कंडीशन में सीवियर चेस्ट पेन देखने को मिलेगा। गाइस, ये जो चेस्ट पेन है, जो पेन है, कई जगहों पर देखने को मिलेगा, जैसे कि नेक में पेन देखने को मिलेगा, ठीक है, शोल्डर्स में पेन देखने को मिलेगा और लेफ्ट आर्म में सीवियर पेन देखने को मिलेगा। और गाइस, यहाँ पर जो पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आएगी, ठीक है, डिस्पिनिया होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होगी, ठीक है, फटिगनेस होगी, वीकनेस होगी, सीवियर एंग्जाइटी होगी। नेक्स्ट गाइस, यहाँ पर जो ब्रैडीकार्डिया देखने को मिलेगा, यानी कि जो पल्स रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा, हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा, ठीक है, डायफोरेसिस होगा, डायफोरेसिस मीन एक्सेसिव स्वेटिंग देखने को मिलेगा, ठीक है, और यहाँ पर जो स्किन का कलर है वो चेंज हो जाएगा, नोजिया वोमिटिंग देखने को मिलेगा, ठीक है, हाथ पर ठंडे देखने को मिलेगा, कूलिंग एंड क्लैमिंग होगा जिसको हम बोलते हैं। तो गाइस, ये कुछ साइन और सिम्टम्स हैं जो एक मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के कंडीशन में आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर गाइस बात करते हैं हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, कि मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के कंडीशन को कैसे डायग्नोस करते हैं। गाइस, सबसे पहले यहाँ पर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करवाते हैं। गाइस, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से जो हमारी हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको असेस करते हैं। गाइस, हमारे हार्ट में कई सारी वेव्स जनरेट होती हैं, जैसे कि ST सेगमेंट है, ठीक है, क्यू वेव है, टी वेव है। गाइस, ये जो वेव्स होती हैं इनमें चेंजेस देखने को मिलता है, यानी जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हैं वो एबनॉर्मल हो जाती हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के कंडीशन में। ओके, और गाइस यहाँ पर हम इकोकार्डियोग्राम करवाते हैं। गाइस, इकोकार्डियोग्राम में हम जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनके फंक्शंस को असेस करते हैं, जैसे कि राइट वेंट्रिकल, जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स होते हैं इनके फंक्शन को असेस करते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के कंडीशन में। जो वेंट्रिकल होते हैं इनके
फंक्शन जो है अल्टर देखने को मिलेंगे, ठीक है, अब नॉर्मल फंक्शन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट गाइस यहाँ पर जो टेस्ट है वो लेबोरेटरी टेस्ट करवाते हैं। लेबोरेटरी टेस्ट में कई सारे ब्लड टेस्ट होते हैं जिनमें हम ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल असेस करते हैं, ठीक है। और गाइस मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में क्या होता है, कई सारे प्रोटीन्स और एंजाइम्स होते हैं जो ब्लड के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो गाइस यहाँ पर कई सारे एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं जो जो हमारी हार्ट मसल्स हैं उनसे रिलीज होते हैं। तो गाइस जो जो भी एंजाइम्स और प्रोटीन्स होते हैं ये ब्लड के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो उनका लेवल भी असेस करते हैं। नेक्स्ट गाइस हम बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की, कि कौन कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के कंडीशन में। गाइस सबसे पहले हम यहाँ पर हम बात करते हैं इमरजेंसी मैनेजमेंट की, कि इमरजेंसी में कौन सा ट्रीटमेंट देते हैं। गाइस इमरजेंसी में सबसे पहले हम यहाँ पर मॉर्फिन सल्फेट देते हैं। गाइस जो मॉर्फिन सल्फेट होता है ये पेन को रिलीव करने का काम करता है। जो मॉर्फिन सल्फेट होता है इसमें एनाल्जेसिक्स एक्शन देखने को मिलता है जिससे पेन में रिलीफ मिलता है, ठीक है। और गाइस यहाँ पर इमरजेंसी ट्रीटमेंट में ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पर हम नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं पेशेंट को। गाइस जो नाइट्रोग्लिसरीन होती है ये वैसोडायलेटर होती है जो कोरोनरी आर्टरी को डायलेट कर देती है जिससे ब्लड सप्लाई इम्प्रूव हो जाता है, ठीक है। और गाइस यहाँ पर एस्प्रिन देते हैं। गाइस एस्प्रिन जो होती है ये हमारे ब्लड को पतला कर देती है, थिन कर देती है जिससे जो ब्लड सप्लाई है वो इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है। तो गाइस ये है इमरजेंसी मेडिकल मैनेजमेंट। नेक्स्ट गाइस अपन बात करते हैं लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की, कि हम लॉन्ग टर्म में कौन सा ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में गाइस हम फाइब्रिनोलाइटिक एजेंट्स देते हैं और यहाँ पर एंटी प्लेटलेट ड्रग देते हैं। गाइस जो फाइब्रिनोलाइटिक और एंटी प्लेटलेट्स हैं ये एक्चुअली जो एथेरोस्क्लेरोसिस है उसके फॉर्मेशन को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। जो प्लेक का फॉर्मेशन हो जाता है उसको हमारी जो फाइब्रिनोलाइटिक और एंटी प्लेटलेट ड्रग्स हैं उसको प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। और गाइस यहाँ पर बीटा ब्लॉकर्स दिए जाते हैं। गाइस जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के अंदर आते हैं जो हाइपरटेंशन को रिड्यूस करते हैं। और गाइस यहाँ पर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दिए जाते हैं। और यहाँ पर गाइस ACE इनहिबिटर दिए जाते हैं। गाइस ये जो ड्रग्स हैं ये लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में दिए जाते हैं। नेक्स्ट गाइस यहाँ पर कुछ सर्जिकल मैनेजमेंट भी होता है जिसके थ्रू हम मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन को ट्रीट करते हैं, जैसे कि कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी करवाते हैं, ठीक है, एंजियोप्लास्टी करवाते हैं। और गाइस यहाँ पर एथेरेक्टॉमी करवाते हैं। एथेरेक्टॉमी में हम एथेरोस्क्लेरोसिस को रिमूव करते हैं। तो गाइस ये कुछ सर्जिकल मैनेजमेंट होता है जो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन यानी MI में भी हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट गाइस यहाँ पर लास्ट में हम बात कर लेते हैं प्रिवेंशन की, एक मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। गाइस सबसे पहले यहाँ पर लो फैटी डाइट आपको लेनी है, ठीक है, अपने ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल को कंट्रोल करना है, ठीक है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है और अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है, ठीक है, स्मोकिंग को स्टॉप करना है, ठीक है, डेली एक्सरसाइज करना है। तो गाइस ये कुछ हैं प्रिवेंशन जिससे आप मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन यानी हार्ट अटैक को प्रिवेंट कर सकते हैं। गाइस आई होप आप लोग समझ चुके हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन से रिलेटेड सारी जानकारी। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।